एक भी कार्य कम है। आचार्य भगवंत बतलाते हैं कि जैन धर्म के विराधक कौन कौन हुआ करते हैं, होते भी हैं अथवा नहीं होते। 101 और 102 जो युग्मन है, युग्म कारिका में बताते हैं, आरंभे धन धरणे उवियरणे कंकिया तहा सुया वैगुणशील बिहीणा कसाय कल्लपिहा मुहरा संघ विरोह कुशीला सच्छंदा रय गुरुकुला मूढ़ा रायादि सेवयाते जिन धम्म विराहया साहू। क्या कहा, कौन होता है जिन धर्म का विराधक, विध्वंस नाश करने वाला, जो साहू, जो साधु आरंभे आरंभ में, धन धरणे धन धान्य में, उपयरणे उपकरणों में कंकिया इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है, ममत्व भाव रखता है, मूर्छे मूर्छा परिणामों से उनमें जीता है, तहा तथा असूया ईर्षालु है, वै गुणशील विहीणा व्रत गुणशील से विहीन है, रहित है, कसाय कल्लप्या कसाय और कलह प्रिय है, मुहरा बाचाल है, संग विरोह कुशीला संघ का विरोध करते हैं और कुशील हैं, स्वच्छंदा स्वच्छंद है, रईय गुरुकुला गुरुकुल से रहित है, मूढ़ा अज्ञानी है, रायादि सेवया राजा आदि की सेवा करना अच्छा समझता है, उनकी सेवा करता है, ते यानी कि वे जिन धम्म विराहया जिन धर्म के विराधक साधु और श्रावक हुआ करते हैं। श्रावकों ने पक्षपात करना शुरू कर दिया, ना जान ना पहचान, किसी साधु से दोस्ती हो गई, वो भी उसका अपना नहीं है, वो भी उसकी गहराइयों को जानता नहीं है, लेकिन जमाने के साथ चल रहा है। ध्यान रखना श्राप को, जमाना खुद नहीं रह पाया तो तुम क्या रह पाओगे। जमाना खुद बदल जाता है, सुबह दिन होता है जमाने में तो शाम को सूरज को भी जमाना डुबो देता है, तो तुझे कैसे अमरत्व देगा। जरा ध्यान रखना, जिससे तेरी कोई पहचान नहीं है, जिस साधु को तूने अपने श्रद्धा का केंद्र बना लिया, तुम भी नहीं जानते ये साधु है कैसा, उसके चक्कर में तुम संघ से विरोध कर लेते हो, गुरु से विरोध कर लेते हो और संघ के जो साधु होते हैं उनसे विरोध ठान लेते हो। रे शावक ध्यान रखना, अगर ऐसा किया है तो जमाना तुझे मिटा देगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आचार्य कुंद कुंद भगवंत इस रत्नों के सारभूत ग्रंथ रेण सार में कह रहे हैं। समझो, इसको समझो, पढ़ो। कितने गहरे पानी में हो तुम और फिर कहते हो कि मेरी रक्षा करो, मुझे लगता है अब मैं चला जाऊंगा। अरे जाने का कार्य तो तुमने खुद कर किया है, जो गुरुओं का गुरुकुलों का संघों का विरोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, पक्षपात करते हैं, तुम्हें क्या लेना देना है। अपने घर को संभालो, दूसरों के घर को तुम क्या संभाल सकते हो, उसमें भी गुरुकुल को गुरु के कुल को संभालने का दुस्साहस कौन श्रावक कर सकता है। वो गुरु ही है जो अपने द्वारा दीक्षित
शिष्यों को संभालने में कर्मठ और पुरुषार्थी हुआ करता है। जो साधु आरंभ में धन धान्य में अच्छे अच्छे सुंदर उपकरणों में आकांक्षा रखते हैं, गुणवान या साधर्मियों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, व्रत गुणशील से रहित हैं, यानी व्रतों में कोई उत्साह नहीं है, व्रतों के प्रति कोई इच्छा नहीं है, ये बाना तो सिर्फ इसलिए पहन लिया कि लोग मुझे भगवान की तरह पूजा करें। मेरी प्रतिष्ठा नहीं थी, जब घर वाले ही नहीं पूछते थे तो बाहर वाला कौन पूजेगा, इसलिए ले लो पीछे। अरे पीछे लेकर भगवान का हम ढोंग ना करें, अभी भगवान नहीं बने, भगवान तब बनोगे जब भगवान ने जैसे स्वयं पुरुषार्थ किया है वैसा ही पुरुषार्थ इस पथ पर चलने वालों के लिए आदेशित किया है। उस पुरुषार्थ को हम कर लेंगे तो पूरा जमाना नहीं पूरा तीन लोक तुम्हें अपने माथे पर बिठा लेगा, पूरा तीन लोक तुम्हारे चरणों में झुक झुक कर पुष्पों की वृष्टि करेगा। इस गंदी गलियारों को कांच के समान सुंदर बना देगा और ककरीले पथ को स्वर्ण कमलों की रचना करके तुम्हें अनंत सम्मानों को दिला देगा। लेकिन ये सम्मान को प्राप्त करने के लिए, पुलिस की वर्दी देखी है कभी? देखिए क्या कभी पुलिस की वर्दी में स्टार लगे होते हैं? ये स्टार उनके प्रतिभा के परिचायक हैं कि कौन सा कमांडर किस स्थिति का है। जब उनका विश्वास ईमानदारी कर्मठता देश के प्रति शासन के प्रति संगठन के प्रति सुरक्षा के प्रति बढ़ती है तो प्रशासन उनको एक स्टार देकर के प्रमोशन कर देता है। लेकिन जैन दर्शनकर्ता कहता है कि रे चौकीदार तू भी पुलिस वाला है, ध्यान मत रखना, ऐसा मत सोचना मैं सिपाही नहीं हूँ, तू भी सिपाही है, तेरे पास में भी श्रद्धा का डंडा है और गुप्तियों की विशिल है, बजा, हो जा सावधान और कर दे पड़ोसी को सावधान। उनका स्टार लगता है और तुम तीन लोग के स्टार बन जाया करते हो। विचार करना, स्टार बनना है तो काम ऐसे करो जैसा प्रशासन करता है, जैसे पुलिस वाले करते हैं। वो यदि चोर को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, फिर दया नहीं करते, और जब तक सावधान करते रहते हैं अगर कहीं चोर है तो भाग जाए, क्योंकि यहां पर 3 स्टार 2 स्टार वाला पुलिस कमांडर आ चुका है। भाग जाओगे तो उसके डंडे से पिटने से बच जाओगे और नहीं भागोगे तो वो पकड़ लेगा तो ऐसी मार लगती है कि शरीर में हड्डियां कितनी हैं उसकी कोई गिनती नहीं रहती है। इस मार से फिर भी बचाया जा सकता है, कानून से फिर भी रफा दफा है, लेकिन केवल ज्ञान का कानून किसी के लिए किसी प्रकार का कंसेशन नहीं करता है। उस कानून से बचने के लिए हमें स्वच्छंदा स्वच्छंद नहीं होना। जो स्वच्छंद होते हैं, मनमानी करते हैं और एक महाव्रत को ग्रहण करने के बाद अनंत असत्यों का सहारा लेते हैं, सत्य महाव्रत जिसके पास ना हो भला वो 28 मूल गुणों का पालन कैसे कर सकेगा। ध्यान रख लेना, हम ऐसे असत्यार्थी के साथ क्या भोजन करें, ऐसे असत्यार्थी के साथ रहें,
विचार करना, उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं। अगर इतना ही प्यार है, इतना ही दुलार है, तो क्यों नहीं उसका स्थितिकरण कर देते, वो भी भयभीत हो जाए संसार से। और नहीं होता, मान के चलो उसका कर्म इतना तीव्र है, संसार इतना बड़ा हुआ है, तो छोड़ दो संगति को। क्योंकि ध्यान रखना, अगर सोने को पीतल की डिब्बी में रखोगे तो वो भी पीतल जैसा लगेगा, बेशक सोना हो। आप पूरा पालन करते हैं, आप सजग हैं, जगे हुए हैं, लेकिन शराबियों के साथ रहोगे, दुराचारियों के साथ रहोगे, तो ध्यान रखना आप भी उसी श्रेणी में आ जाओगे। आचार्य भगवान कहते हैं, बैगुण शील विहीणा, जो व्रत से, गुणों से, शील से विहीण है। मालूम पड़ गया आपको अच्छी तरह कि इसने झूठ बोला है, ये चोरी करता है, फिर साक्षी भगवान की, फिर साक्षी जिनवाणी की, फिर भी नहीं समझ पाए, फिर भी आंखें नहीं खुली कि हम किस चोरों के समूह में रह रहे हैं। विचार करना, हम नहीं बच पाएंगे, बेशक हमारा व्रत शील गुण अच्छा रहेगा, लेकिन हम पापी के साथ महापापी कहलाएंगे। जैन दर्शन कुंद कुंद स्वामी का कहता है, पापी फिर भी फिर जाएगा, लेकिन जिसने पापों को छिपाया है, उसका साथ दिया है, वो कभी तिर नहीं पाएगा। वो पत्थर की नौका में लकड़ी की नौका से उतर करके बैठ चुका है। ध्यान रख लेना कि जो व्यर्थ बोलते हैं, व्रतों में अतिचार अनाचार लगाते रहते हैं, कसायों की तीव्रता और कलह प्रिय स्वभावी होते हैं, एक शब्द पर 100 शब्द बोलने की क्षमता जिनके अंदर होती है, और इतना तेज स्पीड से बोल सकते हैं कि सामना वाला तो शांत स्वभावी है तो शांत होगा। व्यर्थ बहुत बोलते हैं, बकवाद बाचाल प्रवृत्ति जिनकी है, आचार्य संघ का उनकी आज्ञा का विरोध करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते, और स्वच्छंद स्वेच्छा से आचरण करते हैं। मन होता है जहाँ बैठना है, मन होता है वहाँ बोलना है, मन होना है सो जपना है, मन होना है सो त्यागना है, मन है उसको खाना है। आचार्य भगवान कहते हैं, जो आचार्य संघ का विरोध करते हैं, आज्ञा का विरोध करते हैं, कुशील हैं, व्रतों से च्युत हैं, मात्र बाह्य वेश से वो साधु हैं, स्वेच्छाचारी हैं, अपने गुरु के गुरुकुल, गुरु या आचार्य संघ में नहीं रहते केवल दिखावे के लिए, अगर यहाँ नहीं रहूँगा तो समाज मुझको पूछेगा नहीं, इसलिए मजबूरी में रह रहे हैं, और अलग भी नहीं होते। गुरु कहे अलग बना लो अपनी एक कुटिया, अलग रह जाओ तो जाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शिक्षा तुमने गुरु से ग्रहण नहीं कर पाई, जिससे तुम अपना भी गुरुकुल कभी बना पाओ। गुरुकुल वो ही बना सकते हैं जो गुरु चरणों में रहना सीख पाए हों, उनकी आज्ञा उनका दंड जिन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया हो। ऐसे गुरुकुल में, गुरु या आचार्य संघ में जो नहीं रहते हैं, हे उपाधेय के ज्ञान से जो च्युत हैं, स्वपर विवेक से शून्य हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, जड़मती हैं, राजा और उनके अनुचरों की सेवा करते हैं। साधु का धर्म राजा की सेवा करना नहीं है, लेकिन आज की परंपरा, श्रावक आता है तो साधु को सम्मान कराना पड़ता है, उनका सम्मान नहीं होगा तो वो आएंगे नहीं।
जैन दर्शन में कुंड कुंड स्वामी कहते हैं, तुम सच्चे साधु हो तो संकल्प ले लो, अपनी मंच से हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे। आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो उससे भी ज्यादा अच्छा। अगर वो सच्चे श्रावक होंगे तो सम्मान के लोलुपी नहीं होंगे। मंच माला माइक जिसको प्रिय है वो ऐसे साधुओं के मंचों पर जाएंगे जहां पर यही व्यवहार चलता है। लेकिन आगम से आध्यात्म की ओर बिहार करने वाले जितने भी आचार्य संघ हैं, साधु संघ हैं, उन संघों के अंदर केवल आगम और आध्यात्म की आचार्य संहिता का आख्यान होता है, जहां पर आत्म प्रदेशों को टटोला जाता है कि कितना आत्म प्रदेश कितनी किट कालमाओं से ग्रसित हो चुका है। इसलिए जो धनाढ्यों की सेवा करते हैं, श्रावक आ गया पैसे वाला, उसके लिए चटाई बिछाते हैं, उसके लिए भोजन तैयार कराते हैं, उसके लिए भोजन के लिए सामायिक छोड़ करके चले जाते हैं, सामायिक की भी चिंता नहीं है। विचार करना, जो अब तक कर लिया उसे कर लिया, लेकिन आगे से ना करें। कोई भी आए जाए, अपने आवश्यकों को छोड़ करके पीछेधारी साधु का ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपने संघपतियों की, वो अपने ऐसे धनाढ्य भक्तों की सेवा करे। और भक्त भी ऐसे होने चाहिए कि यदि सामायिक का समय है तो प्रतीक्षा करें गुरु की, और उनको किसी तरह का व्यवधान न करें। ऐसे भी बहुत से हमारे संघ में भी जब संघपति आते हैं, टोंग्या परिवार आता है, कभी बाधा नहीं करता, प्रतीक्षा करता है, कभी इच्छा ये नहीं रखता कि संघ और समाज हमारी अगवानी करे। वो अपना खाना पीना सब अपनी गाड़ी में लेकर के आते हैं। हमें चिंता नहीं है उनके लिए कि उनके लिए हमें क्या करना है। और कभी कुछ कहें तो सिर्फ एक ही वाक्य रहता है, ये माताजी आपका धर्म नहीं है, आप चिंता ना करें। धन्य है वो भागचंद जी टोंग्या का परिवार जिन्होंने साधु को समझा है और अपने श्रावकत्व की रक्षा की है। ऐसे श्रावक दुनिया में बहुत होंगे जो साधुओं की व्रतों से च्युत नहीं होने देते, और ऐसे भी श्रावक बहुत हैं जो साधुओं को व्रत में लगे नहीं रहने देते। सामायिक का समय है 2 मिनट, स्वाध्याय का समय है 5 मिनट मांगते हैं। इसलिए हम जैन धर्म के विद्वेषी ना बने, विध्वंसक ना बने। जो जिन धर्म की विराधना करने वाले हैं वो स्वच्छंद हैं, ईर्ष्यालु हैं, कसाई हैं और व्रत गुणशील से रहित हैं।